सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज राजपुरा के वार्ड नंबर 9 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री ने अपने विरोधी भाजपा अकाली दल गठजोड़ के उम्मीदवार श्री नरेंद्र नागपाल को 768 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया, जबकि यह चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश सिंघानिया को 33 वोटों के साथ ही सबर करना पड़ा और 17 वोटरों को किसी भी पार्टी का उम्मीदवार पसंद न होने के कारण उन्होंने नोटा का बटन दबाया। राजपुरा की नगर कौंसिल के वार्ड नंबर 9 में आज उपचुनावों के लिए सुबह 8 बजे से ही मतदान का काम शांतिपूर्वक शुरू हो गया था, मगर अचानक मौसम के खराब होने के कारण ये कयास लगाए जा रहे थे कि उक्त वार्ड में वोटों की गिनती में इसका असर पड़ेगा, मगर मौसम के खराब होने से ना तो उम्मीदवारों के उत्साह में कोई फर्क पड़ा और ना ही वोटरों का रुझान बना और शाम 4 बजे तक कुल 2116 वोटें पड़ी। चुनाव अधिकारी कम तहसीलदार हरसिमरत सिंह ने News89 से बात करते हुए उक्त वार्ड में कितनी वोटें डाली गई और किसको कितनी वोटें पड़ी और इस वार्ड में कौन विजयी रहा के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि आज साडे वार्ड नंबर 9 दियां राजपुरा नगर कौंसल दियां चोणां जिहड़ियां बहुत ही अमन अमान और शांतिपूर्वक ढंग नाल जिहड़ियां संपन्न होईयां, जिहदे विचों टोटल वोटां साडे कोल 2116 वोटां पोल होईयां, जिहदे विचों कांग्रेस दे उम्मीदवार नूं मिस्टर नरेंद्र शास्त्री जी नूं 1417 वोटां, बीजेपी नूं 649 वोटां, आप दे कैंडीडेट नूं 33 वोटां ते 17 वोटां जिहड़ियां नोटा नूं जिहड़ियां पईयां, ते नरेंद्र शास्त्री जी 768 वोटां दे फर्क नाल जिहड़े आ अज जेतू करार दिते गए, इन्हां नूं सर्टिफिकेट जिहड़ा साडे वल्लों जेतू कैंडीडेट दे तौर ते जिहड़ा सर्टिफिकेट इलैक्शन कमिशन वल्लों दित्ता जांदा उह साडे वल्लों इन्हां नूं दे दित्ता। इस तरह चुनाव अधिकारी कम तहसीलदार हरसिमरन सिंह ने श्री नरेंद्र शास्त्री को विजेता करार देते हुए उन्हें विभाग द्वारा प्रमाण पत्र देकर बधाई दी। इसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के समर्थक इन चुनावों में विजयी रहे कांग्रेसी उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री को कांधे पर उठाकर पहुंचे हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कम्बोज जी के निवास स्थान पर, जहां सरदार हरदयाल सिंह कम्बोज सहित उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गुरमीत कौर व सपुत्र सरदार निर्भय सिंह मिल्टी ने श्री नरेंद्र शास्त्री का मुंह मीठा करवाया। इस मौके पर श्री नरेंद्र शास्त्री ने अपनी जीत का सेहरा हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कम्बोज को देते हुए उन्हें भी फूलों का हार पहनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस जीत के मौके पर हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कम्बोज, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गुरमीत कौर व सपुत्र निर्भय सिंह मिल्टी ने News89 की टीम के साथ विशेष बातचीत के दौरान कहा कि मैं वैसे पहले कह चुका कि मैं अपने वालों मैसेज भी देता कि सारे कांग्रेस वर्कर्स का बनूड़ ते राजपुरे का, क्योंकि साढ़े बनूड़ दे विच भी असी एक बड़ी वड्डी मार्जिन दे नाल सीट जीती है, इत्थे भी 800 वोटां ते जीती है, ये सारा जिहड़ा सेहरा हैगा कांग्रेस वर्कर्स का है, उन्होंने बड़ा दिन रात एक मेहनत करते, हालांकि मैनू भी उन्होंने कहा कि प्रधान जी तुहानू आने की लोड़ नहीं प्रचार च, असी अपने तौर ते सरदार हरदयाल सिंह कम्बोज उन्होंने आप ही मेहनत की है, मैं सिर्फ सुनेहा दिता उन्होंने और मेरा सुनेहा उन्होंने घर घर तक पहुँचाया। ये नाल नाल मैं वार्ड निवासियों का बड़ा कोट कोट धन्यवाद हाँ कि जिन्होंने ये जिहड़ी साडी 10-11 महीने की कार्यकारी आ एक मोहर लाई आ, और मैं इस गल की इन्नी मैं खुशी है कि मेरा जो उम्मीदवार आ 70% वोट इन पई हैगी टोटल पोल 70% वोट जितने वार्ड निवासियों का धन्यवाद, उ मेरे वर्कर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें जड़े साडिया सज्जिया खब्बिया बाहां हैं इन्हों के सिर पर असं उडे फिरते हैं दिन रात जी मेहनत करने लगे आ, अगे अगे बहुत होर भी बहुत कुछ होने वाला है, हाले तक क्योंकि आर्थिक मंदहाली सी ते जूझ के जूझते रहे हैं, पर फिर भी देखो तुसीं पिछले महीने इसी महीने च असीं 20 करोड़ रुपया दे के गए, अगले महीने दे विच फिर असीं जिहड़ा हैगा 30-32 करोड़ रुपया हल्के ते लाण जा रहे हैं, तां होर भी काफ़ी कुछ है शहर के लिए 20 करोड़ रुपए के लगभग असीं जिहड़े काम कर रहे हैं शुरू करान चले हैं, तो बहुत कुछ होना ते पूरा जो साने कमिटमेंट की इलाका निवासियों नाल उस तो पूरा करके हटांगे। और सब तो वड्डी गल है कि पूरे खदसे सी कि देखो जी पता नहीं कि धक्का होएगा जी बूथ कैप्चरिंग होएगी, जिहड़े दूजे कैंडीडेट्स ने दूजिया पार्टियां उन्होंने भी मतलब कि इस गल का थैंक्स किया परहेज की है कि एक देख लो तुसीं मैं जिवें तुहानूं कहा सीगा कि बिल्कुल चिड़ी भी नहीं पटकन दिया है, और उही गल हुई है तुसीं देख लो तुसीं आप मतलब के कितनी वधिया जिहड़ी स्वच्छ चोणां जिहड़ियां होईयां आने वाले समय च भी इदां ही होएगा, यह बिल्कुल नहीं होएगा। सरदार हरदयाल सिंह कम्बोज जिंदाबाद, सानूं सिर्फ ते सिर्फ जनता का प्यार चाहिदा जो प्यार उन्होंने सानूं दित्ता, सो मैं बहुत बहुत अपने वालों ब्लाक कांग्रेस कमेटी वालों सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा।
पहला तो मैं सारिआं दा वार्ड नंबर 9 दा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां और वधाई भी देनी हां कि अज मैनूं बहुत खुशी हुई आ। धन्नवाद। बहुत ही ज्यादा परमात्मा दा शुकराना है और समुचे इलाका निवासियों का कोट कोट धन्नवाद जिन्होंने MLA साहब की समुची कांग्रेस पार्टी की पिछले दसा 11 महीनों के जो असी काम इतने राजपुरा हलका दे लैके आए हैं तो उन्होंने भारी मंडेट देंद्या होया अज 9 नंबर वार्ड की जी बायलैक्शन है राजपुरा विखे बहुत वड्डी वोट के उत्ते नरेंद्र शास्त्री जी ने इतने जिता के भेजा। उस तरीके बनोड़ की जी 12 नंबर वार्ड की साड़ी इलैक्शन से अज के दिन ही उत्थे मान्योग साढ़े जिहड़े कैंडीडेट साहबान सन सरदार जगतार सिंह जी उन्होंने भी बहुत भारी मतों के नाल जिता के भेजा। तो मैं धन्नवाद असी इस तरीके करांगे इन्हां दा जो साढ़े इलाका निवासियों ने 2012 दे विच भी 2017 दे विच भी साढ़े मान्योग सेवादार हलका राजपुरा सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी नूं भारी मतों के नाल इत्थे जिता के भेजा सीगा और असी इन्हां दा ऋण सत्तां पीढ़ियां तक साडा पूरा परिवार अखीरले साह तक भी असी इन्हां दा इन्हां दी सेवा दे विच हाजर रहीए ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਨੂੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਫਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 31 ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਈਡੋਲੋਜੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਊਂਸਲਰਸ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਪਰ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। इस अवसर पर वार्ड नंबर 9 से विजयी रहे श्री नरेंद्र शास्त्री ने अपनी जीत के बाद सरदार कंबोज वार्ड नंबर 9 के निवासियों और विशेष तौर पर उक्त वार्ड से कुछ समय पहले श्री नरेंद्र शास्त्री के लिए अपने पद की कुर्बानी दे चुके एडवोकेट राकेश मेहता का धन्यवाद करते हुए कहा कि मेरी जी जिद्दा सारा है पहला कंबोज साहब ने है हरमन प्यारे MLA साहब जिन्होंने मेरे लिए विश्वास करके मैंने टिकट दी और उस बाद वार्ड वासियों ने MLA साहब ने जो शर्त रखी थी भी जिता के लियाओ उन्होंने जिता के लिया के देता मैं दोवे का धन्यवाद कर रहा दोवे का ही जरा है योगदान है सारा इस जित दे विच ते अगे किस तरह रहेगा मतलब नगर कौंसल का काम मतलब किस तरह वार्ड के वादे पूरे होंगे देखो जो साड़ी हाईकमान का हुक्म होगा उसके मुताबिक काम चलूगा बाकी साड़ी जी मेहनत है कि दिन रात अभी करते हैं ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੰਨਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਮੋਟਰ ਲਾ ਖੜੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ वार्ड नंबर 9 से कांग्रेसी उम्मीदवार श्री नरेंद्र शास्त्री से लगभग 768 वोटों के भारी अंतर से हारे अकाली भाजपा के उम्मीदवार श्री नरेंद्र नागपाल ने इस हार के बारे में क्या कहा
कि मैं उरे रह के इन्हां दी सेवा करता रहूंगा। बस धन्यवाद। अपना नागपाल जी की वजह रह गई भी मतलब अपनी कंबाइनिंग विच कोई कार्ड सी या वर्करा च? देखो सरकार दे नाल टक्कर लेनी बहुत वड्डी गल है। मैनू पार्टी ने मान बख्शिया, हां जी टिकट दित्ती, मैं टिकट दे के लड़िया ते मैं 650 वोटां 650 पौने 700 वोट ले जानी सरकार दे उल्ट मेरे वास्ते बहुत वड्डी उपलब्धि है। ठीक है जी, मैं वोटां दा बहुत धन्नवाद करदा हां आपको। आपको यहां बताना बहुत ही जरूरी है कि वार्ड नंबर 9 में मतदान का काम सुबह 8 बजे से ही शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा था। इस मौके पर तीनों ही पार्टी के उम्मीदवार आपस में कई बार खड़े और आपस में मिलते जुलते हमारे कैमरे में कैद हुए और तीनों ही उम्मीदवार प्रशासन द्वारा करवाए गए इन चुनावों से काफी संतुष्ट भी नजर आए। मगर हम आपको बता दें कि हल्का विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी द्वारा पहले ही पुलिस प्रशासन व सिविल प्रशासन को सख्ती से हिदायतें दी गई थी कि चुनावों को शांतिपूर्वक ढंग से करवाया जाए। अगर इन चुनावों में कोई भी गलत हरकत या शरारत करता हुआ पाया जाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के चलते आज इन चुनावों ने एक रिकॉर्ड कायम करते हुए लोगों में जो पिछले चुनावों को लेकर डर था वो आज समाप्त होता हुआ नजर आया। अब जहां वार्ड नंबर 9 में चुनाव भी हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी जीत गया है, अब देखना यह होगा कि राजपुरा इलाके के विकास के कार्य करवाने के लिए नगर काउंसिल को प्रधान कब मिलता है। राजपुरा से कैमरा मैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, दिनेश सचदेवा, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।